सर आपका नाम? मोनी चंदेलिया। चंदेलिया साहब आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण आज यहाँ आने का? ये हमारा जो DMC है उसकी परेशानी है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, एरियल नहीं मिल रहा, तो हम जो केजरीवाल जी के उसमें आए हैं कि भाई अपनी हम बिहार रखे उन पर, हम परेशान हैं, काम इतना गंदा काम करते हैं, जो समय पे सैलरी नहीं, पैसा नहीं मिल रहा हमारे को, कोई 6-6 महीने हो जाते हैं, कर्मचारी परेशान है, कोई उनकी सुनाई नहीं, डीआर बोनस भी नहीं मिलता है, इसलिए आए हैं कि हम भी अपनी जो परेशानी है उनको बताएं। आज दिल्ली सरकार कुछ घोषणाएं करने जा रही है, क्या जो आज घोषणाएं होंगी उससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को क्या फ़ायदा होगा? ये तो अब बताने से पता चलेगा ये क्या बताते हैं हमारे लिए, हमारा तो शोषण ही हो रहा है, इतना हम गंदा काम करते हैं, ना केजरीवाल हमारी तरफ देख रहा है, ना मोदी जी हमारी तरफ देख रहे हैं, एक तरफ सफाई को कह रहे हैं सफाई, हम इतना गंदा काम करते हैं, बीमारी से मजदूर छूट रहा है हमारा, फिर भी हमारी तरफ जो मोदी जी भी नहीं देख रहे हैं ना केजरीवाल देख रहा है, उन दोनों की लड़ाई में मजदूर का नुकसान हो रहा है, मजदूर पिस रहा है बहुत बुरी तरह से पिस रहा है, जो उसकी अभी नोटबंदी हुई उसमें भी गरीब लोग मारे गए, उनको सैलरी नहीं, एक तो गरीब तो और सभी परेशान है, केजरीवाल जी की लड़ाई में मोदी जी की लड़ाई में आदमी का शोषण हो रहा है, हम इसीलिए आए हैं। चंदेल जी का कहना है कि हम सफाई कर्मचारी हैं और यहाँ पर अपनी मांग को लेकर आए हैं कि मोदी और केजरीवाल की जो लड़ाई आपस की लड़ाई है उसमें हम लोग पिस रहे हैं, हम इतना गंदा काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आई और चलते हैं कि जो आज दिल्ली सरकार आज बड़े बड़े दावे जो करती है, आज बड़े बड़े जो घोषणाएं करेगी उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, अब हम अंदर चलते हैं कि और बहुत तादाद के अंदर यहाँ पब्लिक अपना मांगों को लेकर यहाँ आ रही है और आज क्या क्या घोषणाएं होती हैं ये आप सभी के सामने होगी।